मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो अपनी छाप बनाई, और वाले से अगर बात की जाए, अली कश्मीर खुला कुपवाड़ा की अगर बात की जाए, यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टैंड पेशन निकाला गया और पेशन के हवाले से वो पेशन मना रहे। जिस तरह से हमने लगातार कल से देखा होगा कि जो है कुरैशी लगातार जो है कल से सोशल मीडिया पे छाए हुए और पेशन मना रहे, और उसी हवाले से इस टाइम पे जो जिला कुपवाड़ा के मेन मार्केट यानी डाक बंगलों से लेके इस टाइम बाईपास की तरफ जो है ये भारतीय जनता पार्टी की रैली निकल रही है। और इस हवाले से बताता चलो कि जो ये छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो इन्होंने सीटें हासिल की और जीत हासिल किया भारतीय जनता पार्टी, इसी हवाले से इस टाइम जो है भारतीय जनता पार्टी कुपवाड़ा की जानेब से यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा अब्दुर्रहमान लोन, वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा जावेद कुरैशी इसमें मौजूद है, और आप देख सकते हैं जिस तरह से विजुअल इसमें मेरे पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि तीन स्टेट्स में भारी बहुमत के साथ इन्होंने जीत हासिल की। जावेद कुरैशी साहब यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुर्रहमान लोन, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी खुशी हो रही है और ये जश्न क्यों मनाया जाए। जावेद साहब, जो आपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जीत हासिल की, लगातार आप कल से सोशल मीडिया पे छाए हुए और जो है जश्न मना रहे, क्या कहना चाहेंगे? ये कल हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन था, और जो कल मैंने डेट हिंदुस्तान के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बार फिर भरोसा किया, कांग्रेस का वजूद मिट चुका है, कांग्रेस ने आज तक आवाम को धोखा दिया है। मेरे ख्याल में इनको समझना चाहे कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। कहना था कि जो सरकार है वो हमारी होगी, भारतीय जनता पार्टी पे अपनी जीत हासिल करेगी। बात की जाए कि जावेद कुरैशी साहब यहाँ पे बोले हैं जो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में जो सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। कुपवाड़ा में जिस तरह से देख रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो है जश्न मनाया जा रहा है। अमीर से बने रहे, देखते रहिए डेली वैरायटी न्यूज। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी है मुमकिन है, मोदी है मुमकिन है, बजा के मोदी है मुमकिन है, मोदी है मुमकिन है, मोदी है मुमकिन है, मोदी है मुमकिन है, मोदी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, मोदी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, मोदी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, मोदी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। आप खुद देखते हैं कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कितना जश्न हो रहा है, क्योंकि हमने जीत हासिल की है, हर जगह हमने जीत लिया है, इंशाल्लाह इससे आगे भी इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ये सब मोदी साहब की मेहरबानी है, मोदी साहब के नेतृत्व में हम हर जगह जीत रहे हैं, कि गरीब लोगों का उसे मत किया, गरीब लोग सब उसको खुश हैं। आज हम भी पूरा भारतीय जनता पार्टी है और J&K के लोग हम सब खुश हैं। आपने खुद देखा कि यहाँ कितना जश्न है, कितना माहौल है, इंशाल्लाह इसे आगे भी हम करेंगे, और PM इंशाल्लाह हमारा होगा, और चीफ मिनिस्टर भी हमारा इंशाल्लाह होगा। बाकी PDP और NC का जनाजा यहाँ से निकल गया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस और गठबंधन का वजूद मिट चुका है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल काम किया है, आज गरीब जनता ने पूरे हिंदुस्तान में वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बार फिर बनाया है। जरूर जरूर, ये तय है कि 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ही
प्राइम मिनिस्टर होंगे जरूर जरूर। और मैं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों से कहना चाहता हूँ, खासकर नेशनल और पीडीपी के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो आप लोगों में वो डर वो खौफ पैदा कर रहे थे, उस पर वजीर अजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ताला लगा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी इस जम्मू कश्मीर में। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने जिन मरगुजारों को आबाद किया था और जिन जेलों को आबाद किया था, आज उनके दुकानों पर ताला लग चुका है। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हर चुराहे पे अपनी जीत दर्ज करेगी। हर हर मोदी, हर हर मोदी। देखो जब तक एग्जिट पोल था तब तक तो ठीक है, जब वोट गिनती शुरू हुई फिर बोला, तो अब हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है। भाई ये धोखे की जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको इस धोखे की जिंदगी से बाहर आना चाहिए और इस हार को मान लेना चाहिए। जो गठबंधन, जो यात्रा, इस यात्रा को खत्म किया हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में मजबूत है। देखिए जनाब, हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तो आपने खुद भी देखा कि यहाँ पे अगर हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 3 स्टेटों में जीता, वो तो आपने खुद भी देखा यहाँ पे कि किस कदर हमें खुशी थी और किस कदर हमारे लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में यहाँ पे जश्न मनाया। तो खुशी तो है जनाब, ढोल बजा रहे थे। हाँ बिल्कुल, खुशी में आपने भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो उन्होंने काम किए थे, उन कामों का आज हमें नतीजा मिला है। और इंशाल्लाह इस वजह से हमने ढोल भी बजाया और इंशाल्लाह हमने ठीक ठाक तरीके से यहाँ पे खुशी मनाई और जश्न मनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या वोटर हैं, सबको आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद देना चाहते हैं। और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, होम मिनिस्टर साहब को और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर राणा जी को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह बाहर की स्टेटों में हमने जीत हासिल की है, इंशाल्लाह हम यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की। देखो जनाब, अगर पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा तो इस पर हमें कोई नाराज़ नहीं है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। पहाड़ी भी हमारे भाई हैं, तो हमें कोई नाराज़गी नहीं है कि अगर उनको हक मिलेगा। लेकिन जहाँ तक हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बारामूला के अंदर और रजौरी के अंदर एक अपने बयान में कहा उन्होंने, और उनका बयान, उनका कहना वो एक आर्डर है, उन्होंने कहा कि जो एसटी का हक है, जो गुजर बकरवाल का हक है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह हमें अपने होम मिनिस्टर साहब पे यकीन है, उनके बात पे, उनकी ज़बान पे हमें यकीन है कि हमारे हक के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। हाँ, उसके बरक्स अगर पहाड़ी भाइयों को उनका हक मिलता है तो इस वजह से हमें कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए और नहीं हम। देखो जनाब, इसमें आपको एक बात बोलूँगा कि हर पार्टी के साथ हर एक एसटी का लोग जुड़ा हुआ है। जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, यहाँ पर आपने देखा अपनी पार्टी के, यहाँ पर आपने देखा पीडीपी के तालिब साहब जो हैं वो पीडीपी के एक खास कारकुन हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप देखो कि जितने भी ये गुजर लीडर जो जम्मू प्रोटेस्ट के अंदर थे, उनके हर एक पार्टी के साथ उनकी लाइन जुड़ी हुई है। वो इस वजह से उन पार्टियों के भेजे हुए लोग हैं ताकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने। लेकिन ऐसा नहीं है, आज वो पहले वाला वक्त नहीं है कि गांव के अंदर एक खड़पैंच होता था या पंच या सरपंच कोई होता था या नंबरदार होता था, वो पूरी कौम को खरीद लेता था वहाँ पे। तो कोई भी उनके पास जाता था, कहता था कि ये सब मेरे हैं, ये आपके कहने पर। लेकिन आज वो नहीं है, आज हर एक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर एक समझ चुका है इस बात को कि मेरे वोट की क्या कीमत है। मैं अपना वोट, अब अगर बेटे को वोट डालना होगा वो बाप को नहीं पूछेगा मुझे किसको वोट डालना है, बीबी वोट डालेगी वो अपने घर वाले को नहीं पूछेगी मुझे किसको वोट डालना है। लेकिन ये जो सियासी लोग, ये अदर पार्टियों के जो लोग गुज्जर कौम, इस शरीफ कौम को भड़का रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको कहना चाहता हूँ कि आज तक आपने इस गुज्जर कौम का, इन लीडरों ने गुज्जर कौम का खून पिया है, लेकिन आज खून पीना बंद कर दो। आज हर एक गुज्जर इस बात को समझ चुका है कि मेरा हक क्या है, मुझे जीना कैसे है, मुझे मरना कैसे है। यह भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर कौम के लिए, गुज्जर कौम को अप करके रखा है। गुज्जर कोई अगर किसी ऑफिस में जाता था, किसी दफ्तर पर जाता था, उसको धक्के मार के वहां से निकाल दिया जाता था, गुजरा आप पीछे बैठो,
गुज्जर को बात करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन जब से श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर एक गुज्जर को उसका अधिकार मिला है, हर एक गुज्जर को बोलने का मौका मिला है। किसी भी ऑफिस में जाता है, किसी दफ्तर में जाता है, लेकिन उस गुज्जर को घटिया नज़र से नहीं देखा जाता है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को मत दोबारा तबाह करो, मत बर्बाद करो, और इंशाल्लाह यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन के रहेगी, जैसे आज 3 स्टेटों में हमने जीता। और इंशाल्लाह मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, और गुज्जर कौम जो भी है आज वो पहले वाले गुज्जर नहीं रहे जनाब, आज गुज्जर इस बात को समझ चुका है, और इंशाल्लाह गुज्जर जो भी हैं, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर कौम के लिए काम किया है, गुज्जरों को अप किया है, उस हिसाब से गुज्जर एक एक गुज्जर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है इंशाल्लाह।